हे गाइस, चैप्टर 13 पढ़ेंगे। साइंस की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 6 की। अब हम मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, दो बच्चे जो हैं वो वेस्ट मटेरियल के हीप, जहाँ पे मतलब गंद का ढेर लगा होता है, ठीक है, हीप लगा होता है वेस्ट मटेरियल का, वहाँ पे गए। उन्होंने देखा एक क्रेन जो थी उसने जब मटेरियल उठाया, फिर उसके नीचे जो है कुछ मटेरियल चिपक गया, मीन्स आयरन पीसेस वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक मैग्नेट लगी हुई है जो कि आयरन जो प्रोडक्ट्स है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेट ही है वो एक तरह की। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे तरीक़ों की मैग्नेट्स जो है मतलब हम बना सकते हैं, कैसे कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे, और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर के डोर में, अलमीरा में, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है वो आपकी मैग्नेट यूज़ होती है, पेन होल्डर्स में, ठीक है, पिन होल्डर में, सॉरी, पिन होल्डर्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपने देखा होगा, फ्रिज के डोर के में भी यूज़ होती है, ठीक है, ताकि टाइटली बंद हो जाए ये जो डोर है इसका, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है वो मैग्नेट यूज़ होती है। उसके बाद मैग्नेट को डिस्कवर किसने कैसे किया, इसके मतलब ये अस्तित्व में कैसे आया, तो ये इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता होनी चाहिए कि एक शेफर्ड था मैग्नीस जिसका नाम था, ठीक है, इसी के नाम पे ही मैग्नीस के नाम पे ही मैग्नेट पड़ा, ठीक है, नाम जो है ये ग्रीस का था, एक शेफर्ड, ठीक है, ये अपने गोट एंड शीप्स को जैसे चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए माउंटेन पर गया, और इसके हाथ में एक स्टिक थी, ठीक है, उस स्टिक पे ना आयरन नेल्स जैसे थे, होता है ना आयरन नेल से बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी अगर पकड़ने के लिए कुछ होल्डर चाहिए तो आयरन से ही उसको जो है ठोका जाता है ना, आपने नोटिस किया होगा। तो उसकी स्टिक पे ना स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन अटैच था एक एंड पे, ठीक है। तो उसने एक दिन क्या नोटिस किया कि उसकी जो आयरन स्टिक है ना वो रॉक से स्टिक हो गई है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये वो मैग्नीस है, ठीक है, ग्रीस का एक शेफर्ड जो कि गोट वगैरह अपना ग्रेजिंग करने जा रहा है, चरवाने जा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या देखा, रॉक के ऊपर इसकी जो स्टिक है वो अटैच हो गई है, ठीक है, अट्रैक्ट हो गई है इवन यू कैन से, ठीक है। तो इससे ये क्या पता चलता है कि रॉक के पास जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर आपसे कोई पूछे रॉक क्या मैग्नेट है या नहीं, तो ये यस इट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिर क्या हुआ, नेचुरल मैग्नेट जो है इसी तरह डिस्कवर हो गई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। अब जैसे हम कहते हैं ना, कौन सी रॉक्स है, मैग्नेटाइट रॉक्स है ना, ऐसे बोला जाता है ना, मैग्नेटाइट रॉक। जब हम रॉक्स वाला चैप्टर चेक करेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स में, तो उसमें आपको पता चलेगा मैग्नेटाइट जो रॉक्स होती हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन्हीं से ही इस शेफर्ड की जो स्टिक थी वो अट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नेटाइट रॉक्स होती हैं उनमें क्या क्या होता है, ऑब्वियसली आयरन तो होगा ही, ठीक है, और ये जो था फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था मैग्नीशिया में, मतलब ये जगह का नाम है जहाँ की ये रॉक्स थी, ठीक है, और इसी से इसका नाम फिर मैग्नेट पड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कई लोगों ने ऐसे डिस्कवर की रॉक्स जिनके बीच में मतलब वो थी आयरन पीसेस प्रेजेंट थे, ठीक है, और फिर उससे अगर मैग्नेट अट्रैक्ट होती थी तो वो चिपक जाती थी, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाती थी, और ये सभी क्या है, नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, जो कि डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज़ की जाने लगी, फिर जैसे कि मैंने बताया था कि पिन होल्डर में और ज्योमेट्री बॉक्स में, फिर बाद में इसे काफ़ी जगह पर यूज़ करने लगे। और ये किस किस तरीके की होती हैं, बार मैग्नेट होती है, ठीक है, बार की तरह होती है, और उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट होती है ऐसे, ठीक है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं दिखा दूंगी आपको अभी आगे जाके पिक्चर में। उसके बाद सिलेंड्रिकल एंड बॉल एंडेड है ना, जैसे कि ये बॉल एंडेड सिलेंड्रिकल भी आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये सारी तरह की मैग्नेट्स होती हैं। एक्टिविटी वन देखते हैं क्या कहता है। इसमें इन्होंने बोला है कि एक मतलब कप लीजिए आप, ठीक है, तो ये प्लास्टिक एंड पेपर किसी का भी हो सकता है, इसे क्रैम कर लीजिए, ठीक है, इस मतलब स्टैंड के साथ लगा लीजिए, जैसे आप एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते केमिस्ट्री लैब में वैसे, ठीक है। उसके बाद आपको एक थ्रेड के साथ एक मतलब इसके बीच में ना ये जो कप है इसके बीच में आपको रखनी है एक मैग्नेट, और विजिबल नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है, और ये जो और उसके साथ एक
थ्रेड जो है वो अटैच कर दीजिए आयरन के साथ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अट्रैक्ट होगा मतलब। और ये भी अगर आप ऊपर करेंगे तो एकदम से ये अट्रैक्ट शो करेगा, ठीक है, और अगर आप दूर लेके जाएंगे तो ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो इसमें इफ़ेक्ट ऑफ द मैग्नेट दिखेगा आपको, अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन द एयर से, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला है ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कैप, मतलब बिल्कुल अगर आप नज़दीक लेके जाएंगे बेस के पास, द क्लिप इज़ रेस्ड इन द एयर विदाउट स्पोर्ट लाइक अ काइट, जैसे काइट उड़ती है ना हवा में वैसे फिर ये बिहेव करेगी। उसके बाद मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे आयरन वगैरह हो गया जिसकी हमने बात की थी, जिसकी वो स्टिक से जो मतलब आयरन अटैच हो जाता है, आपने देखा होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ये जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, ठीक है, रैग पिकर्स बोलते हैं जिन्हें, तो ये जो रैग पिकर्स होते हैं ना, इनके हाथ में एक डंडा सा होता है, ठीक है, और उनके आगे आपने नोटिस किया होगा ऐसे एक कुछ लगा होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं ना ये ऐसे मतलब सॉइल के ऊपर या फिर लैंड के ऊपर ना अपना ये रोल करते हैं, और जो भी आयरन होता है ना वो इनकी इसके साथ मतलब यहाँ पे एक मैग्नेट टाइप का कुछ लगा होता है, तो इससे वो मतलब अट्रैक्ट हो जाता है और फिर इसे ये कलेक्ट कर लेते हैं और अपने उसमें डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो शेफर्ड स्टिक थी ना वो भी कुछ ऐसी ऐसी ही थी, ठीक है, जैसे कि वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक, और अगर हम उसको वॉक करें तो हमारे पास जो भी नीचे आयरन वगैरह के पीसेज होंगे वो उसके साथ स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नीस वॉक भी कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि आप डे टू डे लाइफ में भी ऐसी गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन निकल कोबाल्ट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक में आ जाता है, जो कि अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेट के पास क्लोज जाने से, कहने का मतलब कि अगर मैग्नेट इनके पास लाई जाए आयरन निकल कोबाल्ट, तो ये इसको अटैच हो जाएंगे, इससे अट्रैक्ट करेंगे इसे, ठीक है, अपनी तरफ खींचेंगे और चिपक जाएंगे इनसे। तो ये क्या शो कर रहा है, एक तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। और नॉन मैग्नेटिक अगर मान लीजिए कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इसके साथ नहीं चिपक रहे हैं मैग्नेट के साथ, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करे, तो वो नॉन मैग्नेट है, ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें इस बबल में ये बताया गया है कि एक टेलर के पास अगर वो बटन स्टिच करे तो क्या वो नीडल जो है उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, तो क्या वो स्लिपरी है मतलब गिर जाती है, तो क्या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि प्लास्टिक का बटन होता है तो उससे थोड़ा ना वो अट्रैक्ट करेगी या अटैच हो जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी 3 की बात करते हैं तो इसमें आपको इन 3 से पता चल जाएगा कि ये पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था। तो इसमें एक बार मैग्नेट ली है, ठीक है, उसके दोनों साइडों पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये इसमें देखा तो ज़्यादा सारी आयरन्स जो है वो स्टिक हो गई, ठीक है, इसके साथ आयरन पीसीस जो है इसमें थोड़े कम और इसमें थोड़े बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, थर्ड वाली में। तो इससे क्या पता चलता है, इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें थोड़ी लेस होंगी और इसमें नहीं होंगी, ठीक है। और यही है सब कुछ, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार अगर आपने पढ़ना हो तो। वैसे तो ABC से जो कि मैंने पिक्चर में दिखाया इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आगे क्या लिखा है, दे मे कंपेयर द अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग, हाँ इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि सॉइल में कितनी जो है आयरन मिली होंगी, ये आयरन पे सॉइल पे रखा था इन्होंने, ठीक है, ये भी लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्टिविटी 4 की, तो आप देख सकते हैं इसके साथ कि इस मैग्नेट बार के साथ, बार मैग्नेट के साथ कितनी सारी आयरन फिलिंग्स जो है वो अटैच है। तो एक्टिविटी 4 और 3 में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क है कि एक्टिविटी 4 में ये बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसकी साइड्स पे मीन्स पोल्स पे कितनी सारी अटैच है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीच में कुछ नहीं है। तो इसमें तो यही कंपेयर करने के लिए बताया था। और जो 4th एक्टिविटी है इसमें ये बताया गया है कि जो सेंटर में है ना वो इतना नहीं अटैच कर पाती, अट्रैक्ट कर पाती, बल्कि पोल्स पे जो है वो ज़्यादा मैग्नेटिज्म होती है, इसीलिए साइड्स पे जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आयरन नेल्स को, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए अगर पढ़ना हो तो। वैसे बात यही बता रखी है इसमें कि जो सेंटर में है वो कम होती है और जो पोल्स पे है जो उसमें ज़्यादा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पोल्स जिनको कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि इसमें बताया दीज एंड्स आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और यहाँ पे जो है मोर मैग्नेटिज्म शो होती है, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग डायरेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी मैग्नेट के साथ ही आता है, क्योंकि जो डायरेक्शन शो करते हैं कंपास वगैरह वो मैग्नेट से ही रिलेटेड होते हैं। तो एक स्टोरी टाइप है, ये एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहली बार तो मुझे ये क्लियर ही नहीं हुई कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एक ये स्टोरी है चाइना की, चाइना का एक एम्परर था, ठीक है, हुआंग टी, इसका नाम याद रखिएगा अगर ये स्टोरी याद रखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये एक चेरियॉट लेके घूमता था विद अ स्टैचू ऑफ लेडी। इसकी एक बड़ी पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये कि आगे घोड़ा लगा हुआ था, पीछे बैठने वाली इसकी जगह थी, और ये स्टैचू ऑफ लेडी यहाँ पे ये लगी हुई है, ठीक है। इसके साथ ये लगा के ये घूमता था, ठीक है, एम्परर था चाइना का। उसके बाद ये कहता है कि ये था ना, ये रोटेट करती थी, ये जो स्टैचू थी लेडी की, ये रोटेट करती थी इन एनी डायरेक्शन। इट हैज़ एक्सटेंडेड आर्म, आपने देखा होगा इसकी एक आर्म जो थी वो एक्सटेंडेड थी, जो कि इसे डायरेक्शन बताती थी कि अब कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। द स्टैचू हैड अ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी इसकी यही कि ये डायरेक्शन बताती थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इज एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड द साउथ। इसकी ये खासियत थी कि ये जो एक्सटेंडेड आर्म थी ना वो साउथ के बारे में बताती थी, कि ये जहाँ पे ये मूव करती थी ना वो बता देता था कि ये साउथ साइड है आपकी, ठीक है, एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू, ठीक है। इसलिए ये मतलब डायरेक्शन लोकेट करने के लिए ये एम्परर इसे लेके घूमता रहता था, ठीक है। तो इससे ये क्या पता चलता है, जैसे कि आपको सिंपली वर्ड्स में अगर बताऊँ, ठीक है, जहाँ से सन जो है सनराइज होता है, ठीक है, तो वो वाला सिंपली हमें पता है ईस्ट है, ठीक है। जहाँ पे सनसेट होता है वो वेस्ट है। अब पंगा पड़ता है नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। अगर ये स्टैचू ने अगर इस एम्परर को ये बता दिया कि आपकी साउथ डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो नॉर्थ तो इसके अपने आप ही पता चल गई, तो सभी दिशाएं इसको पता चल गई, ठीक है। इसीलिए ये डायरेक्शन फाइंडर का काम करती थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट मैंने आपको दिखाई थी, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि एक बार मैग्नेट को एक थ्रेड से क्लैंप पे टांग देना है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मिडल में से टांगना है। जैसे कि ये बार मैग्नेट है ना, इसके बीच में से इसे टांग दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे सस्पेंड कर दीजिए इट फ्रॉम द वुडन स्टैंड, जैसे कि वुडन स्टैंड पे ये लगा हुआ है, ठीक है। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फ्रीली मूव ना कर पाए, ठीक है। लेट इट कम टू द रेस्ट, इसको रेस्ट पे आने दीजिए, और फिर इसकी डायरेक्शंस का पता करिए ये कौन से डायरेक्शन में है रेस्ट में आने के बाद, क्योंकि जब तक ये मूव करेगी तब तक आप डायरेक्शन को मार्क नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटेड इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट के बाद आने के बाद ही ये डायरेक्शन शो करेगी। रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन द डायरेक्शन एंड लेट कम टू द अदर एंड, रेस्ट पे आने दो उसको, ठीक है। अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड्स इन द पोजिशन ऑफ द रेस्ट, डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक बार ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, जब वो रेस्ट पे आ जाएगी उसकी पोजीशन मार्क करो, और फिर उसके बाद दोबारा से रिपीट करो उस प्रोसेस को, और दोबारा से देखो कि क्या वो उसी पोजीशन पे वापस आती है। अगर आती है तो वो आपकी डायरेक्शन को सही मार्क कर रही है, और फाइनल डायरेक्शन जब आ जाएगी, जब वो रेस्ट पे आ जाएगी तो आप उसकी फाइनल डायरेक्शन को मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है रिपीट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और फिर अवॉइड करना है इसमें एक चीज़ कि इट देयर वेयर देयर आर करंट इन द एयर, तो करंट इन द एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट करेगी बार को, ठीक है। इसीलिए ये बोला कि अवॉइड करिए इस चीज़ को, डू नॉट यूज़ द लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए हल्की सी मैग्नेट लगा दी और वो हिलती रही, डायरेक्शन उसकी हिलती रही, तो वो पॉसिबल नहीं है डायरेक्शन बताने के लिए, तो थोड़ा हार्ड ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि सन के लिए ईस्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है, और अगर नॉर्थ या साउथ फाइंड करना हो तो उसी में ही दिक्कत आती है, और इसीलिए वो जो चाइना का एम्परर था वो चैरियट के साथ वो स्टैचू लेके घूमता था, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन बताती थी, और अगर एक बार साउथ डायरेक्शन पता चल जग गई तो नॉर्थ अपने आप से ही पता चल जाएगी। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल कंपास बननी शुरू होगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें क्या होता था कि
मैग्नेटाइज्ड निडल लगी होती थी, और जिस भी तरफ ये रुक जाता था, जैसे ये निडल जो है रुक जाती थी, और जिस साइड पे ये कलर होती थी ना, वो साइड नॉर्थ होती थी और उसके ऑपोजिट वाली साउथ होती थी। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है कि दो पोल्स होते हैं इसके, नॉर्थ एंड साउथ, जैसे कि बात की। ठीक है, और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो इस मैग्नेट का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें डायरेक्शंस का पता चल सके। और तीसरी बात ये कि अगर आपके पास ऐसी कंपास है और उसके साइड पे एक तरफ कलर हुआ हुआ है, मोस्टली आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, और जहाँ पे भी रेड कलर हुआ हुआ है वो आपकी नॉर्थ साइड हो जाएगी, और जहाँ पे भी कोई कलर मतलब उसके ऑपोजिट वाली जो है वो साउथ हो जाएगी। और ईस्ट और वेस्ट का तो आपको वैसे ही पता चल जाता है आराम से। ठीक है, और ये बात ये बोली गई है कि ये आपको तभी फाइंड करनी है नॉर्थ एंड साउथ जब ये रेस्ट पे आ जाए, और जब अगर हल्की सी भी हिलती रहे तो आपको ये कंसीडर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया डिफरेंट कलर से निडल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मेक योर ओन मैग्नेट। ओन मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लीजिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ये वाला ओन मैग्नेट का एग्जांपल है कि कैसे ले सकते हैं। एक मैग्नेट लीजिए, ठीक है, ये जो नीचे रखी हुई है, और इसके पास एक आयरन नेल लेके आइए। ठीक है, जैसे जैसे ये आप इसे पास लेंगे, मैग्नेटिज्म ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, अगर ये रिपेल करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोल ऑफ द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट शुड नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस इधर मूव कर रहे थे तो इधर ही मूव करेंगे, पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि पोल को चेंज कर दिया जाए। अगर पोल को चेंज कर दिया जाएगा डायरेक्शन से तो ये रिपेल करनी शुरू कर देंगी, और फिर ये मैग्नेटिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर हम मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ को सामने ले आए तो ये रिपेल शो करता है, रिपल्शन। ठीक है, अभी आएगा आगे दोनों टर्म्स, देखते हैं उसमें क्या है। एक्टिविटी सिक्स की बात करते हैं, इसमें ये बोला है कि आप पानी के अंदर मतलब कंपास इन अ कप कैसे बना सकते हैं, इसकी पिक्चर यहाँ पे नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं भी समझ में आएंगे ना तो आप प्लीज़ एक बारी नेट पे जाके देख लीजिएगा। आपको ये लिखना है कंपास इन अ कप, और साथ में मैग्नेट भी लिखना है साथ में। ठीक है, मैग्नेटिज्म का एग्जांपल है ना ये। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पिक्चर दिख जाएगी। तो इसमें क्या करना है, एक पानी लीजिए कप में, ठीक है, उसके बीच में कॉर्क लगा दीजिए। कॉर्क में अब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कॉर्क रखेंगे अभी हम इसमें। ठीक है, ये कॉर्क है हमारा, इसके ऊपर ना एक निडल लगा दीजिए, और आपको ये मार्क कर देना है कि ये मतलब अगर इसका पतले वाला साइड है, यहाँ पे ये होल वाला होता है ना निडल का, ठीक है, ये वही वाली निडल है जिससे हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पतले वाले को आपने नॉर्थ बोला और ये साउथ बोला, ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी साइड में है। तो एक कप में जैसे कि मैंने बताया पानी लीजिए, इस कॉर्क को उसमें रख दीजिए, और ये जहाँ जहाँ भी मतलब ये ना हिलेगी, मतलब अपनी डायरेक्शंस चेंज करेगी। ठीक है, जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज की, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाएगी, एकदम से रेस्ट पे आ जाएगी। जिस टाइम पे ये रेस्ट पे आ जाएगी उस टाइम पे आप नोट कर लेंगे, जो पतले वाली साइड है निडल की वो आपका नोट शो कर रहा था, और जहाँ पे मतलब दूसरी वाली साइड जिस पे पीछे वो था डालने के लिए धागा, ठीक है, थ्रेड, वो आपकी साउथ है, तो आपको इससे डायरेक्शन शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल था इसका। उसके बाद करते हैं बात अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें आप देखिए आप इस चारों से ही पता चल जाएगा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपका दोनों कार एक साइड पे आ रही हैं तो ये क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ये साउथ नॉर्थ, मतलब ऐसे है साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये मतलब अलग अलग वाले जो होते हैं पोल्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट वाली जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, और वहीं अगर इसमें देखेंगे हम तो ये एक ही साइड पे चल रही हैं, तो ये रिपल्शन शो करेंगी कैसे, यहाँ पे होगा साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, मतलब ये दोनों अलग थी तो अट्रैक्शन हो रही थी इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो अट्रैक्ट कर रही हैं, दूर भाग रही हैं तो ये रिपेल कर रही हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।
इतना तो सभी को पता ही होता है, एक तरह से रिवीजन की तरह ही है एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद फ्यू क्वेश्चंस हमने हमें क्या लेने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। ऊपर वाली सारी चीज़ें तो सबको ही पता होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट जो है वो लूज़ कर देता है अपनी प्रॉपर्टी जब उसे हीट करते हैं, जब उसे बीटन करते हैं और जब उसे हम ऊपर से नीचे गेर देते हैं, तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हमें उसे हीट नहीं करना चाहिए, हमें उसे बीटन नहीं करना चाहिए हैमरिंग से, ठीक है। हैमरिंग नहीं करनी चाहिए और ऊपर से भी नीचे ही नहीं गिराना चाहिए और उसे सेफ रखना चाहिए, ठीक है। कैसे सेफ रख सकते हैं, अब ये बताया हुआ है। एक मैग्नेट को जैसे आयरन उसमें जो है आप सेफ रख सकते हैं, उसके पोल्स को भी। और दूसरी बात जो मैंने बताया था ना, हॉर्स शू मैग्नेट कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। मैंने बताया था ना, पिक्चर में दिखाऊंगी, तो ये वो वाली है। और इसको आप कैसे मतलब रख सकते हैं सेफली, इसके साइड पे जो है आयरन पीस लगा दीजिए तो ये सेफ हो जाएगी। और ये बता रखे हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जिनमें जो है मैग्नेट यूज़ होती है, तो टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, इन सब में आपकी जो है कंप्यूटर वगैरह में, कैसेट्स में, मोबाइल्स में मैग्नेट का यूज़ होता है। उसके बाद कीवर्ड्स हमने देख लिए, कंपास, नीडल, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। समरी देख लेते हैं, मैग्नेटाइट जो है वो नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन, निकल, कोबाल्ट को, इसलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि इसे रिपेल करती है और अट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं। फिर एक्सरसाइज हम पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब शेप्स बता सकते हैं मैग्नेट कौन कौन सी तरीके की होती है, हॉर्स शू होती है, बार मैग्नेट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और जिसकी साइड्स पे बोल लगी होती है जो मैंने पिक्चर में दिखाया था वो भी होती है, ठीक है, बोल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुआर्ड द मैग्नेट, उसे क्या कहते हैं जो अट्रैक्ट करता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। पेपर इज़ नॉट अ डैश मटेरियल, पेपर इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि पेपर में थोड़ा ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इन ओल्डर डे सेलर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सस्पेंडेड अ पीस ऑफ, तो आप बता सकते हैं क्या, पीस ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट लेके चलते थे ना वो, ठीक है। मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ट्रू एंड फॉल्स, हमने बताना है कि क्या सही है क्या गलत। अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल, ऐसा तो कभी नहीं होगा, मैग्नेट के पास दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये गलत हो गया हमारा। आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, तो ये भी गलत है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट्स थी जो वो ग्रीस में हुई थी डिस्कवर्ड, आर्टिफिशियल तो बाद में किसी ने भी डिस्कवर की, अलग अलग डिस्कवरीज में हुई थी, ठीक है। सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मतलब सिमिलर पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ हो गया तो वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ हो गया तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आयरन फ्लिक्स स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट नियर टू दैम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा था ये बार मैग्नेट थी तो इसकी पोल्स पे ज़्यादा आयरन जो है वो स्टिक हुई थी, ठीक है। यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो मिडल पे थोड़ा ना होती है, साइड्स पे होती है, पोल्स पे होती है। बार मैग्नेट की बात करते हैं, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल सही जवाब यही तो था कि बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करती है। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, तो हाँ जी ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद रबर इज़ अ मतलब सिक्स्थ वाले में ये पूछा था, नॉर्थ साउथ में तो करती करती है, उन्होंने पूछा था कैन बी यूज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो हाँ बिल्कुल सही है, ईस्ट वेस्ट में भी कर सकती है, ठीक है। रबर नेक्स्ट है, रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल, बिल्कुल गलत है, रबर थोड़ा ना मैग्नेटिक मटीरियल है, उसमें मैग्नेटिज्म थोड़ा ना शो होती है, ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड वाला है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पेंसिल शॉर्पनर गेट अट्रैक्टेड बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, नेम द मटेरियल दैट, मतलब किससे वो बना होता है, किस लिए यूज होता है, तो ब्लेड जो होता है उसका, पेंसिल शॉर्पनर का, वो आयरन का होता है और आयरन जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नेट के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, जो भी
अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कॉलम वन में ये और कॉलम टू में बताना है नॉर्थ 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 साउथ में क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ नॉर्थ में होगा तो रिपेल होगा, रिपल्शन होगी। अब यहाँ पे तो अट्रैक्शन दे रखी है और नॉर्थ दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली साउथ आएगा, साउथ नॉर्थ तो अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन बता रखा है तो साउथ साउथ आएगा, ठीक है। ईजी था ये तो। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट, दो प्रॉपर्टीज़ बतानी है मैग्नेट की, तो एक तो अट्रैक्ट करते हैं और दूसरा ये अगर सिमिलर पोल्स है तो रिपेल करते हैं, और अगर मतलब डिफरेंट पोल्स हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। और नेक्स्ट आ गया, वेयर आर द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट लोकेटेड, तो दोनों एंड्स पे उसकी बार मैग्नेट लोकेटेड है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज़ द नॉर्थ पोल लोकेटेड। तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को रेस्ट पे आने दीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फिर आप पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसका नॉर्थ साइड हमने माना हुआ है और कौन सा साउथ साइड माना हुआ है, और फिर जो अननोन पोल्स होंगे उससे हमें पता चल जाएगा जब वो एकदम से रुक जाएगा कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इन टू अ मैगनेट, तो कैसे ये टच एंड स्ट्रोक मेथड से यूज़ किया जाता है, ठीक है। बार मैगनेट रिक्वायर होती है इसके लिए, और बार मैगनेट जो है वो लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप के साथ अलोंग ही मूव करवाते हैं उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ठीक है। उसके बाद जो बार मैगनेट होती है उसे लिफ्ट किया जाता है एक एंड से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर सेम पोल के साथ ही चलनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया नहीं था एक उसमें ऑन मैग्नेट बना रही थी वो, है ना बच्चा, जिसमें एक ही डायरेक्शन में चलना होता है और पोल्स भी रिवर्स नहीं करने होते, एक ही डायरेक्शन में चलने होते हैं, तो वही वाला तो है इसमें, आप बता सकते हैं इजीली। उसके बाद हाउ इज़ कंपास यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, तो कैसे डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, जिसके मैंने बताया था ना वो एक वो था स्टैचू लेके चलता था, स्टैचू ऑफ लेडी, है ना, चाइना का एम्परर, तो वो वाला एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम द, ये तो वो है ना, फिलिंग द मैच द फॉलोइंग से ना बॉट अट्रैक्टिव, तो ये तो आप कर सकते हैं, मैच करके देख लीजिएगा कौन सा इसके मतलब साथ मैच करता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बोट गेट अट्रैक्टिव टुवार्ड द मैग्नेट, तो किसके साथ करेगी, तो ये आप प्लेस कर लीजिए, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसके, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 14 में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।